देहरादून से दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के बीच मिडात काली मंदिर के 12 किलोमीटर जंगल में मोबाइल कनेक्टिविटी सबसे बड़ी दिक्कत है। मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होने के चलते सालों से लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस पूरे क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए हाल ही में केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद को पत्र लिखा था, जिस पर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ने जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन दिया था। अब इस मामले में काम शुरू हो चुका है और उत्तराखंड वन विभाग ने भूमि हस्तांतरण का काम शुरू कर दिया है। जो वन क्षेत्र है, जो यूपी और हमारे उत्तराखंड को जोड़ता है, मोहांड का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जहाँ जहाँ मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ वहाँ जो BSNL और बाकी जो सेवा प्रदाता है उनसे संपर्क किया गया है। उनके माध्यम से कुछ प्रपोजल्स हमारे पास आ रखे हैं। वन भूमि हस्तांतरण के जो प्रपोजल है उसको हम बना रहे हैं। जल्द ही से जल्द ही इसको जो है हम लोग धरातल पे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इससे इस क्षेत्र में एक तो मोबाइल कनेक्टिविटी मिलेगी और जो इमरजेंसी मैनेजमेंट होता है, जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो गए या अन्य इमरजेंसी केसेस होते हैं, उसमें जो है इस प्रकार की मोबाइल कनेक्टिविटी मिलने से वहाँ लोग लाभान्वित होंगे। आपको बता दें कि इस पूरे क्षेत्र में 5 मोबाइल साइट का चयन किया गया है जहां टावर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, जिसके बाद सहारनपुर और देहरादून के लोगों को इस क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी न होने की परेशानी से जूझना पड़ेगा। इस मामले में उत्तर प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने भी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल का स्वागत किया है और मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 5 मोबाइल साइट में से 3 उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र में आती हैं। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द ही वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई पूरी की जाएगी, जिसके बाद वन क्षेत्र में भी मोबाइल कनेक्टिविटी जारी हो जाएगी, जिससे लोगों को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो सकेगी। जो देहरादून से दिल्ली को जोड़ने वाली 12 किलोमीटर का जो राष्ट्रीय राजमार्ग, जो डाट काली मंदिर से मोहंड चौकी तक पूरी तरीके से संचार सुविधा से कटा हुआ है, जिसके कारण पर्यटकों को, वहाँ के स्थानीय मरीजों को और वहाँ के स्थानीय नागरिकों को बड़ी सुविधा होती है। अच्छा, यह क्षेत्र जो है खतरनाक वन्य जीवों का क्षेत्र भी है। माननीय सांसद बलूनी जी ने बताया कि इस क्षेत्र को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए 3 स्थान दूर संचार विभाग ने चयनित किए हैं। यह सभी स्थान उत्तर प्रदेश वन विभाग के सीमा के अंदर हैं। बलूनी जी के अनुरोध पर हमने उक्त 3 स्थानों का सर्वे कर इस क्षेत्र को संचार सुविधा से जोड़ने के लिए सकारात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु अधिकारियों का आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। दरअसल ये पूरा क्षेत्र फॉरेस्ट रिजर्व में आता है। ये संपूर्ण वन क्षेत्र है। किसी दुर्घटना होने पर या वाहन खराब होने पर प्रभावित व्यक्ति कहीं संपर्क भी नहीं कर पाता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।